से एक डिश जो इंडिया की जो मुझे लगता है जिसे बहुत ज्यादा और क्रेडिट मिलना चाहिए वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड में या हमारे देश में भी इज यू नो अच्छा ऊंधियों बनाना इज सो डिफिकल्ट अभी तो मकर संक्रांति की तो सबके घरों में ऊंधियों की बारिश हो रही थी देश के दुनिया के मशहूर शेफ विकास खन्ना हमारे साथ हैं शायद ही कोई हो जो उनको जानता नहीं हो जिन्होंने उन्हें सुना नहीं है या फिर जिन्होंने की हुई रेसिपी किसी ने ट्राई नहीं की हो विकास खन्ना अभी हर घर में पहचान सा नाम है विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी में बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं जब हमेशा आपकी स्टोरी कभी पढ़ता हूँ कभी आपके मुँह से सुनी है टिक टॉक में हो या फिर बाकी कहीं जगह पे आई ऑलवेज वंड मुझे हमेशा फॉरेस्ट गम की याद आती है <laughs> <laughs> कि जिसको दुनिया कहती है कि आप भाग भी नहीं पाओगे बट इज़ मदर टेल्स सिंह कि आप भागो सिर्फ भागो नहीं आप उड़ो और बस उसी तरीके से आपकी स्टोरी हमेशा मुझे दिखाई देती है जब फॉरेस्ट गम हम देखते हैं तब विकास खन्ना हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपकी ये जो उड़ान है या फिर सपने हैं वो किचन में कैसे गए आई थिंक uh, uh, खाने में मैंने देखा कि इतनी ताकत है कि जब खाना सर्व होता है घर पे, या कोई थका होता है हारा होता है कोई बीमार है तो एक खाना बहुत बड़ा एक सेंट्रल फोर्स होता है पैदा होने से लेके लास्ट रिचुअल्स तक खाने की कहानी बहुत ही अलग है सबसे तो मैं तो बिल्कुल आई लिव्ड इन अमृतसर फॉर सेवनटीन ईयर्स सो मुझे पता नहीं था कि अमृतसर के अलावा भी खाना दुनिया भर में कितना है तो मुझे लगा सब कुछ यही चलता है तो हरी मंदिर साहिब पास ही है अमृतसर से हूँ मैं तो मुझे लगा कि ऐसा हर जगह ऐसा होता है कि मेरी कहानी कोई अलग नहीं है सारी दुनिया में कहानी यही है पर जब आप बड़े होते हो और ट्रैवल करना शुरू करते हो आपको लगता है शुरू में बहुत जैसे पैशन प्याशन, पैशनेट कुक्स होते हैं वैसा होता है घर में जब आप रियल लाइफ देखते हो आप कहते नहीं खाना एक ऐसी चीज़ है जो हमको डिवाइड नहीं करता हमको यूनाइट करता तो आई सेट दिस इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग तब 1991 की बात की बात करो अमेजिंग इंडस्ट्री टू बी इन बट आई स्टार्ट बिजनेस वेरी अर्ली आई बिन वर्किंग आपको पहले कब लगा कि कुकिंग इज़ योर पैशन जब मैं दादी को देखता था तो मुझे लगता था कि ये एक अलग दुनिया है कि सब कुछ पड़ा है पर खा नहीं सकते ड्रॉर्स में है बर्तनों में है मर्तबानों में है इनको जिंदा करने के लिए टू मेक दम एडेबल हर चीज़ को मैजिक इज़ रिक्वायर्ड कि छोटी सी उनकी रसोई थी पीले रंग का दरवाज़ा था कुछ नहीं भूलता मैं एंड यू फेल कि दिस इज़ मैजिक कि वही चावल जो आप नहीं खा सकते ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है वही आप कुछ करते हो हो आटा है सिर्फ सूखा वो दर जैसे होता था पहले तो उसकी परौंठियाँ बन रही हैं रोटियाँ बन रही हैं पूड़ियाँ बन रही हैं हलवे बन रहे हैं एंड यू फेल कि क्या जादू है जो इसको ट्रांसफॉर्म करता है और जिससे हम खा के हैं जिंदा आई जस्ट फील दैट देर मच मोर टू फूड इंग्रीडियंट एंड फायर एंड आई लर्न फ्रॉम हर एंड आई ऑलवेज गिव हर द ट्रिब्यूट और इसी वजह से आपने ये किताब लिखी है जो आई मीन आई थिंक आपने वो आपकी दादी को दिस इज योर सेकेंड फिक्शन नॉवल हाँ जी रेन रेन और जो आपने आपके दादी के लिए को समर्पित की है जी समर्पित की मैंने दादी को तभी मेरे लिए बहुत डेलिकेट इशू है कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो आप उनके जब कुछ करते हैं तो वो ताजमहल से कम नहीं होना चाहिए ऑन योर एबिलिटीज़ और मैं नहीं चाहता कोई चीज़ छूटे उसमें मेरे से जल्दबाजी में कुछ करूँ मैं दो हज़ार में मैंने कहानी लिखी थी दो हज़ार आई गॉट द मिशल स्टार इन टू थाउजेंड राइट तो मैंने रियलाइज किया कि सब कैमरे आप पे आ गए दुनिया भर के अटेंशन आ गई यू नो आई एम द सेम गाय आई एम कुकिंग द सेम वे बट एक ऐसा अवार्ड आया कि सारा कुछ ही पलट गया राइट पूरी दुनिया की के लिए सारी दुनिया की टेन यू रेलिवेंट वर्ल्ड वाइड और बींग वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड इट ऑल्सो ब्रिंग्स ऑल अटेंशन टू यू बट उस टाइम पे मैंने दादी माँ की कहानी बताई नहीं किसे को मुझे लगा कि जो आपके पीछे खड़े हैं जनरेशन्स खड़ी हैं आपके पीछे टू ब्रिंग अ चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली टू द वर्ल्ड स्टेज एंड एप्सोल्यूटली विन इट तो हम दुनिया को तो वो दिख रहा है तो मैंने कहा मेरे पीछे भी तो वो थे है ना देन यू रियलाइज लेटर आप शीट पास्ट अवे दैट यू फेल दैट यू नो ये कहानी बहुत गहरी है ये एक एक जनरेशन की कहानी नहीं हो सकती मेन यू अचीव इंटरनेशनल फेम लाइक दिस दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूटी ये कंटिन्यूशन में चीज़ चल रही थी और आपको इसका मकाम मिला मैंने आई हैव टू टेल मा सेल्फ हर साल मैं एक अपने लिए नोट लिखता हूँ तो जब पचास साल का मैंने हुआ पिछले साल दो साल पहले तो मैंने नोट लिखा अपने लिए कि तेरा रंग तेरी आवाज़ तेरा एक्सेंट तेरे खाने की खुशबू किसी से कम नहीं है जो तुझे बार बार याद करवाते हैं कि तू कम है उनसे उनको तुझसे डर है तो से डरते हैं कि तू तो उनसे आगे निकलना जाए तो परवाह मत कर उनकी आई एम टेलिंग माई सेल्फ एंड आई वॉज ट्वेंटी नाइन आई लैंड इन न्यूयॉर्क ये मैंने अपने आप को पचासवें बर्दे पर नोट लगा के मैंने दीवार पर लगाया कि तो कम नहीं है बहुत लोग आएंगे तुझे तो कहने के लिए इवन इंडियंस विल कम टू यू नॉट जस्ट वाइट पीपल वो भी आएंगे ये क्या खाना ये क्या है ये तो कभी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुँचेगा ये कहाँ जाएगा खाना पाँच रुपये का बुफे लगाएगा तो मैंने अपने आप को नोट लिखा वो कि और याद रखना कि तेरे हाथ नहीं है तेरे पुरखों के हाथ हैं तो जब कुछ सूंघता है वो तू नहीं सूंघ रहा तेरे पुरख सूंघ रहे हैं इक्स फूड इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग तो जो सुनता है खाने की आवाज़ जो जिस चूची तुझे खूबसूरत लगती है जो तेरी ज़ुबान को भाती है वो तेरी नहीं तेरे पुरखों की भी है सो वैन दे आर टेलिंग यू दैट यू आर लेस रिमेंबर दे आर टेलिंग यू कि तेरे पुरख भी कम थे हमसे सो आई फील दैट आई हैव टू हैव दैट आई एम नॉट द पर्सन जो झंडा लेके वो कह रहे हैं कि यू नो इंडिया इंडिया आई बैलेंस माई लाइफ इंडियन खाने की बात की जाए तो मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में कोई और सी क्यूज़ीन है जिसमें इतने रंग इतनी खुशबू इतनी तरह तरह की टेक्निक्स इंटेलिजेंस सफिस्टिकेशन कौन सी क्यूज़ीन में है <laughs> तो तभी बहुत इमोशनल होता है क्वेश्चन जब आता है आपके सोचने का एक तरीका ये भी है कि और आपने इसके बारे में शायद फिल्म भी की हैं लिखा भी है फूड एंड रिलीजन ऑफकोर्स तो मज़हब और खाना ये कैसे आई मीन यू सेड फूड यूनाइट हम कभी कभी देखते हैं कि मजहब की वजह से कुछ झगड़े दुनिया भर में चलते रहते हैं बट हाउ मजहब और खाना एक साथ सोचते हुए दूनाइट टू थाउजेंड एट में विस्कॉन्सिन गुरुद्वारा में दे वॉज शूटिंग अमेरिका में द प्रेजिडेंट बराक ओबामा अभी आ ही रहे थे दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पर दैट शूटिंग रियली केल्ट में दीख्स शॉर्ट पहले भी हुआ था मैंने देखा था 9/11 के बाद क्वींस uh, में सीक्स मिस ट्रीटेड बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड यू नो दे वर एंड मुझे बहुत दर्द हुआ था क्योंकि मुझे लगा मेरे घर की कहानी है ये यू नो जब आप सुनते हैं नंबर्स बड़े बड़े कि सुनामी में छः लाख लोगों की डेथ हुई आप सुन रहे हो यू फील द पेन बट कोई अपना था उसके अंदर देन योर हार्ट इज क्रश्ड आपका कोई था हाँ तो पार्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन था वो मुझे लगा समबडी वज टारगेटेड फॉर हू दे तो विस्कॉन्सिन गुरुद्वारा में जब हुआ ये तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए तो दैट टाइम यू नो एडी बीन इन द सर्कल ऑफ़ प्रेजेंट बराक ओबामाज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मी थिंग्स आर हैपनिंग सो मुझे लगा कुछ मुझे प्रजेंट करना चाहिए इनको टू टॉक अबाउट दिस तो क्या चीज़ एक है जो किसी को एजुकेट करने के लिए फेथ के बारे में उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता वो एक खाना मैं आपको पूरी कहानी बता सकता हूँ फेथ की थ्रू फूड बिकॉज हम मज़ब की बात कर रहे हैं इसी शहर में जहाँ जिस शहर में हम बात कर रहे हैं मुंबई में कोई ऐसी भी एक जिसके बारे में आपने कभी कहा है एक घटना घटी 92 के बारे में विच यू हैव यू यू मैंशन यू चेंज योर लाइफ तो मैं कॉलेज में पढ़ता था मणिपाल में तो ट्रेनिंग के लिए आपको मिलते हैं एक महीना आफ्टर एवरी सेमेस्टर तो वो करने आया था 92 में मैं तो मेरा भाई यहाँ पे एल में काम करता था लार्सन टूब्रो में इज़ एन इंजीनियर तो घाट कोपर ऊपर में रहते थे वो मतलब तो जैसे होता था सब लड़के इकट्ठे रहते हैं सब काम करें तो, तब जब हुआ मेरे साथ तब पता नहीं लगा इसका क्या हुआ तब आप आपको पता नहीं है कि ना अंधेरे रास्ते से गुजर के आपको पता नहीं कितने डेंजर्स आपने सर्वाइव किए आप जब निकल जाते हैं उससे और आप एक हाईवे पे आते हैं और आपको लिफ्ट मिलती है आप घर वापस पहुंच जाते हैं तब आप सोचते हो कि ओ माय गॉड समबडी वॉज ऑन माई शोल्डर मी राइट ऐसे ही हुआ था बट आई वाज अ यंग बॉय राइड चल रहे थे मुंबई में बहुत हाँ उस टाइम राइड्स चल रहे थे तो क्या फंस गए उसमें मैं फंसा नहीं था हाँ। मैं होटल छोड़ के आ गया होटल में जाने नहीं देते बाहर जब हो, होटल्स में क्या होता है कि आपको जब स्टाफ होटल का होटल तो फुल है राइट अब बाहर राय से हो रहे हैं तो क्या होता है कि प्रोटोकॉल होती है ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोटोकॉल विच इज़ नो बड़ी टॉक्स अबॉर इट कि होटल में आप इम्प्लॉयज़ को जाने नहीं दे सकते जितना स्टाफ है वही होटल को फीड कर सकता है राइट एट एनी गिवन टाइम गेस्ट तो जा नहीं रहे बाहर से होटल से एवरीथिंग वॉज कैंसल्ड तो अब होटल को भी तो खाना खिलाना तो दे आर टेलिंग यू कि आप जा नहीं सकते होटल से बाहर और तब इंटरनेट नहीं था कुछ नहीं था तो खबर पड़ी कि घाट के ऊपर बहुत आग लगी हुई है अब मुझे क्या पता घाटकोपर के इतना बड़ा टोटली न्यू इन बॉम्बे मुझे लाइक आई डोंट नो मुझे पता भी नहीं घाटक ओपर के इतना बड़ा राइट right? क्योंकि आप आते हैं यहाँ पे आपको यू नो यू कम एवरी डे इट्स अ नॉर्मल ट्रेनिंग टाइम पे आई वॉज ओल्ड वॉज नाइनटी टू लाइक बीस साल का था शक्ल भी नहीं थी इतनी कि बाहर राइट्स हैं नहीं जा सकते हैं. तो मेरे ट्रेनिंग वाले ने कहा कि मैं कहा मुझे घर जाना है मेरे भाई के वहाँ पे राइट्स हो रहे हैं तो उससे कहा अगर आप जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ट्रेनिंग का मतलब कि उनको तो एक स्टूडेंट को धमकाने वाली बात ऑलमोस्ट होती है ना कहते जाना तो जाओ वैसे जाने नहीं देंगे हम लाइक आई एम लाइक वॉट्स गोइंग ऑन आई वाज वर्किंग द रूम सर्विस तो कहते हैं अब जाने नहीं देंगे तो पढ़ाने का ठीक है नहीं मिलना ना मिले माय ब्रदर इज़ वेरी क्लोज टू मी सो गया तो शीरोक शेयरटन इज़ राइट जहाँ पे ताज लैंड है ना उसके सामने था बहुत बड़ा होटल वही बिल्डिंग है क्या अलग है मेरे को तो ये भी नहीं। उसके सामने था, था सामने हाँ. आ, बैंगे, बैंगे, के पे, हाँ. सामने उस साइड पे होता था हाँ. तो फिर बस आई वॉक आई गोट कार के पास यहाँ के आई गोट स्टक टोटली मॉब्स थे वहाँ पे बड़ी प्रोटेक्टेड मी एंड आई फील दैट शी रिस्क हर फैमिली लाइफ एंड मैं दूसरी बात कर रहा हूँ पहले मिस्टर खेर के शो पे मैंने बताया था एंड देन आप जब उससे निकल जाते हैं मुझे पना दी एक मुस्लिम फैमिली ने तो इट चेंज माई लाइफ इन सो मैनी वेज नॉट एट दैट पॉइंट तब तो मुझे पता है मैं मेरा ब्रेन एग्जॉस्ट हो गया था बिल्कुल कि व्हाट इज गोइंग ऑन मैं सो गया मुझे याद है, फ्लोर के फ्लो सो गया <laughs> तब तो उनके घर मैं मैं पे था हाँ जी उनकी दो बेटियाँ थी मुझे याद है और उनके हस्बैंड थे और वो थे लेडी थी उस टाइम पे मैं भटक जाता मुझे पता नहीं होता क्या मैं बिल्कुल भट, ही भटक गया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कोई ट्रेन्स नहीं है कोई ऑटोज नहीं है कोई कुछ नहीं है और होटल वाले ने मुझे ये भी नहीं बताया यू नो ठीक है जाना जा निकल यहाँ से वापस मत आना कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा एंड आई नेवर गॉट द सर्टिफिकेट फॉर द ट्रेनिंग आई कैन नेवर पुट इन रिज्यूम इन टैफ बट गॉड गेव मी समथिंग एल्स समथिंग एल्स गेम फिर उनका सन इन लॉ था ही हेल्प मी मॉब आया था I mean, मॉब थे ही, वहीं पे थे वहीं पे फाइट चल रही थी क्रॉस मुझे पता क्या पता आर you know, और होटल में जब काम करते हो आपको बिल्कुल पता नहीं लगता बाहर क्या हो रहा है इतने लंबे आवर्स होते हैं हमारे जॉब आपके पास हिम्मत भी नहीं होती मैं, of course, I एक it. आई एम प्राउड दैट गॉड हेज़ इज ओन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग ये ऐसी कहानी है जो आप बताते हैं कि सब लोग जो अलग अलग हैं लेकिन ऐसे मौके में एक, एक साथ आते हैं बट आज हमारे इर्द गिर्द इस तरह की स्टोरीज़ या फिर जितनी सारी चीज़ें होते हैं जो मज़हब के नाम पे हो बाकी किसी के नाम पे हो अलग अलग दे, देखने की कोशिश होती है ऐसी ये कहानी हर रोज़ हम आए दिन सुन रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आई एक ऐसी लाइफ चेंजिंग घटना आप क्या बताएंगे कि जो ऐसा सोचते हैं या फिर ये ऐसी कहानियाँ देख कर जो इर्द गिर्द होती है उसको देख कर हैरान हो जाते हैं डर लगता है डर तो तब भी लगता था डर तो अभी भी लगता है ह्यूमस विल ऑलवेज बिहेव डिफरेंटली डिफरेंट सरकमस्टानसेस ये मैंने सीख है एवरी पर्सन हैज़ फाइटिंग वॉर्स मैंने यही बात नोट किया मैं इस अंजाम पे आया हूँ कि हर इंसान एक जंग लड़ रहा है उसके अंदर एक जंग हो रही है एक तो जंग हो रही है सेहत की बॉडी को रखने के लिए चलने के लिए और एक जंग हो रही है उसके जहन में कि जस्ट टू तो फाइट द वॉर्स टू सर्वाइव एवरी बडी इज़ फाइटिंग वॉर्स फॉर फॉर अस टू उस टाइम पे वो एक छोटी सी मुस्लिम फैमिली के जहन में क्या चल रहा था कि उन्होंने कहा कि यहीं पर रहना दिल द पास एक दो तो दिन लगेंगे उनके जहन में भी कुछ चल रहा था उनकी भी कोई हानि होगी कि शी स्टोट बाय नहीं ऐसे मत भेजो अभी क्योंकि आई डॉट इवन हैव एनी क्लू वट वॉज गोइंग ऑन कि कितना मुश्किल हार्मफुल हो सकता है बट आई फील दैट देर इज अनादर स्टोरी टू लाइफ एंड आई फील एवरीबडी इज़ फाइटिंग अ वॉर हर इंसान एक जंग लड़ा एंड वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड आवर सेल्फ दैट इट इज़ नेवर सो डार्क there is always hope it's never so dark आपने देखा होगा कि youtube पे कितने सारे नए रेसिपी करने वाले अपने यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपने-अपने ब्रांड्स बनाए हैं तो इस रिवॉल्यूशन की तरफ देखकर आपको कैसा लगता है आप उन लोगों की तरफ जिनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं उनको क्या कहना रहे हैं आई लव इट आई जस्ट लव इट आप देखिए मैं नॉनस्टॉप स्टोरी स्टोरी शेयर करता मैं सी समरीज डूइंग अ गुड रेसिपी बट यू नो बींग रेस्टोरेंट शेफ इज़ अ टोटल डिफरेंट गेम आप मेरे पास आ रहे हैं रेस्टोरेंट आ रहे हैं मेरे तो आपको पैसे खर्च के ट्रेवल करके खाना मिलेगा वो बोला राइट सो यू हैव डिफरेंट वेज टू जज मी बट आई डू फील के यू नो जो इंस्टाग्राम पर भी कर रहे हैं शेफ्स वो आर वर्किंग ओनली ऑन इंस्टाग्राम एंड बेकिंग रेसपीज टेस्ट करके बता रहे हैं बहुत बढ़िया वो भी इस प्रेरणा की यही हिस्सा है वी वॉन्ट मोर पीपल टू कुक वी वॉन्ट मोर पीपल टू भी इंडिपेंडेंट वाई शूड ओनली गर्ल्स भी और वेमेन शुड भी कुकिंग दिस इज अ वेरी इम्पॉटेंट क्वेश्चन विच एन पिक अप द लास्ट फ्यू इयर्स कि सब खाना बनाओ एवरीबडी शुड भी इंडिपेंडेंट ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे आपने रिलीजन और फूड इसके बारे में या फिर जो हमारी संस्कृति है पुराने पुरखों से आई हुई चीज़ें इसके बारे में इतना कुछ सोचा है वॉट यू थिंक ये सोशल स्टिग्मा जो है hmm. कि घर में सिर्फ औरतें कुक करेंगी और आदमी मर जो है वो आके खाएगा बहुत चेंज हो रहा है yeah. अब देखें एक बात को बहुत चेंज हो रहा है। किचन वो जो स्टिग्मा था ना कि नहीं तो ग्लास नहीं उठाना बहन उठाएगी मेरी बहन तो मेरे मुंह पे ग्लास मारती थी <laughs> कि <के> तू उठा <laughs> मेरा ग्लास भी तू उठा बट आई इक्वल इक्वल वो क्यों करेगी वो क्यों करे थे प्लेट उठाएगी सब उठाओ अपने मेरी बहन तो एक्चुअली हम मेरे से ही उठवाती थी वो मेरी छोटी थी वो बट आई फील के दिस इज चेंजिंग एक्चुअली एक क्वेश्चंस भी नहीं उठते थे नो बड़ी यूज टू आस्क मी दिस क्वेश्चंस लाइक फाइव सिक्स इयर्स को ये बहुत एक रीसेंट एक ट्रेंड है कि वाई तो मैंने कपिल की शोर में कहा मेट्रोमोनियल चेंज हम कहते हैं लड़की ऐसी चाहिए मैं कहता नो मेट्रोमोल ये लड़का खाना भी बनाना चाहिए घर का काम भी करना चाहिए आपके हिसाब से बिकॉज यू लव एंड यू यू टुक इंडियन फूड दैस्टर्न वर्ल्ड uh, कौन सी सबसे ज्यादा ओवर रेसिपी है और कौन सी सबसे ज्यादा अंडर रेसिपी है जो शायद किसी ने चखनी चखी नहीं अब तक लेकिन उनको चखनी चाहिए मुझे लगता है एक डिश जो इंडिया की जो मुझे लगता है जिसे बहुत ज्यादा और क्रेडिट मिलना चाहिए वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड में या हमारे देश में भी इज उधियो ऊंधियो अभी तो विंटर है अभी तो उंधियो के दिन है you know, अच्छा उंधियो बनाना इज सो डिफिकल्ट यू you नो know, बहुत इजीली बोल देते हैं एंड आई कैप्टन मन ऑफ माई रेस्टोरेंट वानस बट डेंट वर्क क्योंकि समझाना मुश्किल है और एक सीजनल चीज़ है ये दो महीने की होती है बट उसके साथ आई फील के इट्स वेरी अंडर द रिचनेस ऑफ वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स नजर नहीं आती वैसे उसी टाइम पर नजर आएंगे एंड आई एब्सलूटली सर्दी के दिनों में वो आती है एंड आई फील दैट अभी तो मकर संक्रांति की तो सबके घरों में ओंधियों की बारिश हो रही थी इतनी सिंपल चीजें टू मेक एंड वन फील इज लिटल ओवर एटेड आई शुड बी सेंगे ओवर स्टीरियो टाइप इज बटर चिकन कि आप बटर चिकन रख दो मेन्यू में और जिसने ब्रेकअप बटर चिकन सो आई फील दैट्स जब होती चीज़ जैसे इटालियंस भी बोलेंगे जी हमारी पैनेला वर्ल्ड का इतना फेमस है It's not, you know. KKLO Achidavan Asakti, KENI Van Asakti. And I feel that Indian cannabis is not there. But I feel that there are so many cuisines in India which need their due on the international platform from Bengal to Kashmir. 100%. Vikaji, thanks a lot. Thank you Such a pleasure. Take care. All the best. Thank you.